बीजेपी कार्यालय में नौकरी करता ये लंगूर बंदर दिन का लेता है 1,000 रुपया। वो कार्यालय में बैठे हर नेता की रक्षा करता है, उसके रहते मजाल किसी पर कोई आंच आ जाए। वो सिर्फ बंदर नहीं बल्कि ऐसा योद्धा है जिसके सामने हार कोई नहीं टिक सकता। नाम है मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। वो भले कैसा भी था लेकिन उसके खौफ से हर आदमी के पेट में खलबली मच जाती थी। उसके सामने टिकना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक ऐसी कहानी है यूपी में आए इस मंगल सिंह की, जिसके नाम और काम के चर्चे हर तरफ हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मंगल सिंह कोई आदमी नहीं बल्कि एक लंगूर बंदर है जिसके किस्से ने हर आदमी को हैरान कर रखा है। दरअसल ये लंगूर यूपी के बस्ती में स्थित भाजपा कार्यालय में नौकरी करता है और उसे दिन का 1,000 रुपया मिलता है। क्या हुआ, होश उड़ गए? यही सोच रहे होंगे कि बंदर नौकरी करता है और दिन का 1,000 रुपया भी मिलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बता दें ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि ये हकीकत है। दरअसल बस्ती जनपद में भाजपा कार्यालय की तरफ से एक काले मुंह वाले लंगूर मंगल सिंह को उसके तेज तर्रार स्वभाव और पैनी नजर के लिए विशेष तौर पर हरियाणा से बुलवाया गया है। लंगूर मंगल सिंह का काम बीजेपी कार्यालय में आने वाले लाल मुंह वाले बंदरों के आतंक से सुरक्षा करना है। मंगल देखने में तो बिल्कुल अन्य बंदरों की तरह है लेकिन उसकी खास बात यह है कि वह बिल्कुल ट्रेंड है। उसकी पैनी नजर से कोई बंदर नहीं बच सकता। पलक झपकते हुए बाहरी बंदरों को कार्यालय कैंपस से बाहर खदेड़ देता है। बता दें मंगल को बाकायदा ट्रेंड किया गया है, इस वजह से वह बाहर के किसी भी बंदर से निपटने में सक्षम है। दरअसल बस्ती में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के सांसद और उम्मीदवार हरीश द्विवेदी ने मालवीय रोड पर अरविंद पाल के कैंपस में केंद्रीय चुनाव कार्यालय की स्थापना की है। कार्यालय खुलते ही भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगने लगा था। लगातार दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। ऐसे में दफ्तर खुलने के बाद शुरू में ही लाल मुंह वाले बंदरों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया था और भाजपा नेता बंदरों से तंग आ गए। हर रोज भाजपा नेता लाल मुंह वाले बंदर से डरकर भागने लगे। ऐसे में आनंद फानन में किसी ने लंगूर मंगल सिंह के बारे में बताया, जिसके बाद स्पेशली मंगल सिंह को हरियाणा से बुलवाया गया और उसकी बकायदा बस्ती के बीजेपी कार्यालय में चुनावी ड्यूटी लगाई गई, जिसके बदले मंगल को रोजाना मजदूरी के तौर पर 1,000 रुपए मिलता है। मंगल का काम दिन भर बीजेपी कार्यालय के चारों तरफ बैठकर लाल मुंह वाले बंदरों को देखते ही उन्हें सधेड़ना है। बता दे मंगल कोई आम बंदर नहीं है, उसके अंदर की क्षमता को देखकर बीते कुछ दिन पहले अयोध्या में भी राम मंदिर की सुरक्षा में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके बदले उसे कुछ दिन के 10,000 रुपए मिले थे। मंगल के केयर टेकर ने बताया कि वह पिछले 5 सालों से मंगल के साथ रहता है और जहां जाता है परिवार को भी लेकर जाता है। खैर अब लंगूर मंगल सिंह की कहानी चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट।